हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगर आप लोगों ने इस रीडिंग पर, इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो यकीन मानिए इस रीडिंग में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। तो अपनी रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आज की रीडिंग होने वाली है कि आपका आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। एंड ये रीडिंग आपके जोडिक साइंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों की राशि कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि, तो देख लेते हैं आने वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है, मकर राशि के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। मकर राशि, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस हफ्ते, कहीं जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई जगह घूम रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू हाई प्रीस्ट जस्ट एम्प्रेंस एंड द वर्ल्ड। यस, ट्रैवल हो रहा है आपका इस वीक कहीं ना कहीं, एंड आप लोग काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं इस हफ्ते। नाइन ऑफ कप्स, आपकी कोई विश है, आप लोगों ने चाहा था कि मैं इस जगह ट्रैवल करूं, तो वहीं उसी जगह पर आप लोग जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। और आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी होते मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी खुशी आप लोग फील करेंगे क्योंकि ये है, मेरी विश पूरी हो गई, मैं जा रहा हूँ घूमने। जैसे वो छोटे बच्चे नहीं होते जो पिकनिक पे जाते हैं, ये पिकनिक आ गया, तो वैसे ही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जी। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ में लगे रहें स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, कि ये ले जाना है, वो ले जाना है, पैकिंग करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है। एंड साथ ही काफ़ी हाइपर लग रहे हैं मुझे आप लोग स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। एंड ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, टाइम से अपनी ट्रेन या जो भी बस है, ट्रेन है, अपनी फ़्लाइट है, उसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भाग दौड़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टाइम का ध्यान रखिएगा, ओके। एंड साथ ही आपका यहाँ पर किसी तरह से स्किल्स यहाँ पर बढ़ रही हैं, आपका जो पैशन है आप लोग उसको फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ट्रैवल आपका पैशन था तो उसमें आप करियर भी बना सकते हैं, उसको आप फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की लव लाइफ में तो एज सच कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होने वाला है। जो लोग भी सिंगल हैं वो सिंगल ही खुश रहने वाले हैं, एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर ये सब अपनी लाइफ को यहाँ इन्जॉय कर रहे हैं, ओवरऑल हैप्पी एनर्जी में रह रहे हैं आप लोग। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपना काफ़ी ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हैं एंड अपनी बॉडी का यहाँ ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जिम या बॉडी बिल्डिंग में भी जा सकते हैं, डांस वगैरह में जा सकते हैं आप लोग, अपनी बॉडी का किसी तरह से आप लोग ध्यान रख रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है इस हफ्ते आपका इंट्यूशन बहुत ही गजब का रहने वाला है, इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर हायर लर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं एंड नया नया कॉलेज, नया नया एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा आपको खुश रख सकता है। हायर लर्निंग की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी माँ की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, अपनी माँ से कनेक्ट करिएगा, क्योंकि आपकी माँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पर दे सकती हैं। साथ ही अगर आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इस वीक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने का मन कर सकता है, मेडिटेशन करने का और टैरो वगैरह पढ़ने का आपको काफ़ी ज़्यादा मन कर सकता है। एंड हीलिंग फील्ड में भी अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे मसल्स काफ़ी दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है आप लोग कुछ मसल से रिलेटेड कर रहे हो, अपनी मसल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। अगर कुछ लोग यहाँ बीमार चल रहे थे लंबे टाइम से, तो आपको यहाँ पर हीलिंग मिल रही है, आपको हीलिंग दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। एंड यहाँ पर गो विद द फ्लो की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा वाटरी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए एंड बहते जाइए अपने इमोशंस के साथ। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है हर चीज़ में फ्लेक्सिबल रहिए, आप लोग काफ़ी
फ्लेक्सिबल रह पाएंगे अपने शेड्यूल के साथ, अपने टाइम के साथ, और आप लोग ढाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। एंड यहाँ पर आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई रह रहा है एंड माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस आता है मैं देख पा रही हूँ। कोई ना कोई कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है एंड आप लोग आगे बढ़ रहे हैं न्यू बिगनिंग्स की तरफ। कैप्रिकॉर्न हैप्पी एनर्जी है ओवरऑल। कैप्रिकॉर्न राशि स्पिरिट्स कह रहे हैं मुझे और कार्ड्स लेने चाहिए बट मैं अभी नहीं लूँगी गाइस। ओके देख लेते हैं यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स है, आप लोग अपने पुराने दोस्तों से यहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है। ओके थैंक यू मैन टेकन वाओ लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। हो सकता है आप लोग कोई ना कोई लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन वाली एनर्जी है, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल फील्ड से कनेक्ट करना, यूनिवर्स के मैसेजेस को चैनल करना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड हमारे पास यहाँ पर डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। फिट इन नहीं होना है आप लोगों को सोसाइटी में। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सोसाइटी के ट्रेडिशंस के हिसाब से नहीं चल सकता तो आपको बिल्कुल सही लगता है, आप लोग यूनिक हैं गाइस एंड आपको नहीं फिट इन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड डीप रिप्लेनिशमेंट, अगर आप लोग अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पर अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है रेस्ट कीजिए, रिजुवनेट कीजिए, कहीं भी सैलून में जाइए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हीलिंग बाथ लीजिए एंड ओके और क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, यहाँ पर नेचर से कनेक्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है नेचर से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को नेचर में मेडिटेशन कीजिए जाकर। थैंक यू राजस, जो भी आपने आज तक कमाया है आप उसको एंजॉय करने की बारी आ गई है क्योंकि आप लोगों को लग्जरी वाली चीज़ें करना पसंद होगा। जो आपने कमाया है वो एंजॉय करना आप लोग डिज़र्व भी करते हैं तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, यही आपसे कहा जा रहा है। एक राजा जैसा होता है अपने जीवन को व्यतीत करता है, वैसा ही आपको अपने जीवन पे राजा जैसा राजस लाने की ज़रूरत है। ओके एंड यहाँ पत्ता यमस का कार्ड है, अपनी सिंप्लिसिटी, अपने ऑनेस्टी के साथ जुड़ी है। आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे अपने आप में उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड अपनी ऑनेस्टी के साथ जुड़िए, सच बोलिए, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है वो आपको अकेले में बैठकर ही सुनाई देगा। सो यस मकर राशि, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।